नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ। हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। हर एक तारीख में का अपना एक इतिहास होता है। हर एक दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी के साथ मैं हर रोज के इतिहास तक को आप तक लेकर आती हूँ। और आज के इतिहास के साथ भी, यानी कि 11 फरवरी का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। आज के दिन यानी 11 फरवरी 1977 को भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था। वो एक अत्यधिक सफल राजनीतिक नेता थे जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ गए हैं। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन आज ही के दिन 11 फरवरी 1977 को हुआ था। वो एक अत्यधिक सफल राजनीतिक नेता थे जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अस्थायी छाप छोड़ गए। फखरुद्दीन अली अहमद बहुत लंबे समय तक नेता रहे हैं। उन्होंने देश की राजनीति में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति बनने का इनका मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करना था। महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता के साथ रहकर फखरुद्दीन अली अहमद ने राजनीति का गुर सीखा। फखरुद्दीन अली अहमद एक नामी और संपन्न मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार गैर रूढ़िवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं देशभक्ति की भावना रखता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल में शुरू हुई थी। फखरुद्दीन अहमद 1925 में इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू से मिले। वे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। तभी से उन्होंने भारत की राजनीति से जुड़ने का फैसला कर लिया था। फखरुद्दीन अहमद के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1928 में भारत वापस आने के बाद हुई, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। थोड़े ही समय में वे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और भी कांग्रेस नेताओं के करीब हो गए। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। 1935 में फखरुद्दीन अली अहमद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 1937 में वे असम लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम सीट से निर्वाचित हुए और वित्त और राजस्व मंत्री भी बने। इन्हें असम राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां दी गईं। कई बार उन्हें जेल यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। 1940 में महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, जिसके लिए इन्हें जेल भी हुई। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद इन्हें फिर से जेल हुई थी। आजादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन अहमद राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके साथ ही उन्होंने असम के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला, जिस पद पर वे कुछ समय तक रहे। 1957 में उन्होंने यूएनओ में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही नेहरू जी ने इन्हें कैबिनेट मंत्रिमंडल से जुड़ने को बोला। 1962 में वे फिर से असम विधानसभा के सदस्य बने। इस दौरान उन्होंने वित्त, कानून और पंचायत विभागों को संभाला। 1964 से 1974 तक वे कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय सदस्य बोर्ड में रहे। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया और उनको सिंचाई, शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। इसके बाद असम से उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई और वे संसद पहुंच गए। इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी 14 नवंबर 1966 से 12 मार्च 1967 तक कार्य किया। 1971 में बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से फरुखुद्दीन अहमद को लोकसभा सीट मिल गई और वे खाद्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1974 तक उन्होंने इस पद पर काम किया। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद फखरुद्दीन अहमद ने नेहरू और उनके परिवार के साथ अपने गहरे सहयोग की वजह से इंदिरा गांधी के साथ पार्टी में रहने का निर्णय लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ही 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया। 25 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद से नवोदित किया गया। वे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 11 फरवरी सन 1977 को फखरुद्दीन अहमद को दिल का दौरा पड़ने से उनके ऑफिस में ही उनका निधन हो गया था।
फखरुद्दीन अली अहमद की स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। धर्म निरपेक्ष नीति के लिए फखरुद्दीन अली अहमद को हमेशा याद किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं महान अमेरिकन आविष्कार और व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी कि 11 फरवरी 1847 को जन्म हुआ था। आज दुनिया उनके आविष्कारों का लोहा मानती है, तो चलिए आपको भी बताते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में हमारी इस खास पेशकश में। महान अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेंटेड हैं, जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला नहीं खोया। वहीं बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। थॉमस एल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। इन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का बल्कि फोनोग्राफ सहित कई महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली। हालांकि इनका पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर मशीन थी, जिसका पेटेंट उन्हें 1 जून 1869 में प्रदान किया गया। एडिसन का एक कथन बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इस एक आविष्कार के लिए उन्हें 10,000 बार असफलता हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हूं, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे नए तरीके ढूंढे हैं जो किसी काम के नहीं। एडिसन बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उनकी टीचर स्कूल में उनसे बहुत परेशान रहती थी, लेकिन एडिसन की माँ को उन पर पूरा भरोसा था। उनकी माँ ने उन्हें घर में ही पढ़ाया, विज्ञान की तरफ भी उनकी माँ ने ही उन्हें परिचित करवाया। उनकी माँ ने उन्हें किताबें दिलवाई, किताबों में उनकी रुचि आविष्कारों में बढ़ाई। 10 साल की उम्र में एडिसन ने अपना पहला प्रयोग किया। एडिसन के परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं थी, इसलिए अपने प्रयोगों को चलाते रहने के लिए वे ट्रेन में फल और अखबार बेचते थे। इसी से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। कम उम्र में उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई थी, लेकिन फिर भी मार्स कोड के जरिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला की। मंडेला को 27 साल की लंबी कैद से आज ही के दिन रिहाई मिली थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में वो फंसते गए और 27 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल की लंबी कैद से आज ही के दिन रिहाई मिली थी। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलु और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। जीवन यापन के लिए वे कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष मंडेला ने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वे लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी।
नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत माना था और उनसे अहिंसा का पाठ सीखा था। फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण 5 दिसंबर 2013 को मंडेला की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए इतिहास के साथ और इसी के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप कहीं मजा आइएगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।